कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। एक बार फिर से आप सबका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान रुचि में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं पास्ता और बनाएंगे घुइयां की सब्जी। तो आप सब लोग हमारे वीडियो पर बने रहिएगा। फ्रेंड्स, ये हमारा सुबह सुबह का जो भी काम है सुबह का, हम आज आप लोगों के साथ वही शेयर करेंगे कि सुबह सुबह बहुत जल्दी होती है, हम किस तरह से अपने सारे काम करते हैं हम आज पूरा आपको दिखाएंगे। तो अभी हमने पास्ता रख दिया है बॉयल होने के लिए। बिटिया का मन था आज पास्ता खाने का, तो आज हम सुबह सुबह नाश्ते में बिटिया के लिए पास्ता बनाएंगे। तो बच्चे हमारे पास्ता खाने के एक शौकीन हैं, तो तीनों खाएंगे, तो हम तीनों के लिए पास्ता बना रहे हैं। पास्ता हमारा उबल रहा है। उबलने के बाद इधर हम अपनी तैयारी खाने की भी कर रहे हैं, क्योंकि हमें सब्ज़ी रोटी भी बनानी है। हमारे हस्बैंड ऑफिस जाते हैं तो उनके लिए कुछ खाना बनाना रहता है, तो हम पूड़ी पराठा नहीं बना करके उनको हम रोटियां ही खिलाते हैं। तो रोटी में हम सब्जी रोटी सुबह सुबह बनाते हैं, दोपहर में हम पूरा खाना बनाते हैं। तो अभी सुबह सुबह हो रहा, सुबह का टाइम है, तो हम सुबह ही बना रहे हैं। तो ये बच्चों के लिए हम पास्ता बना रहे हैं। पास्ता हमारा उबल चुका है, अब हम पानी को अच्छे से छान लेंगे। तो देखिए, हमने पूरा पानी छान लिया है और अब हम गैस पर इसको छौंक देंगे। तो ये हमारा पक चुका है पहले ही, लेकिन हमें थोड़ा इसको अच्छा बनाना है, कुरकुरा स्वादिष्ट बनाना है, तो हम गैस को ऑन करेंगे और कढ़ाई में तेल डालेंगे। जब तेल हमारा गर्म हो जाएगा फ्रेंड्स, तो हम इसमें जीरा डाल देंगे। तो आप लोग देखिए कि हम कैसे छौंक रहे हैं, पास्ता हम कैसे बना रहे हैं। तो जीरा हमने डाल दिया है तेल में, और छोटा छोटा हमने प्याज भी काट के रखा था, तो हम इसको भी डाल देंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसको भूनते रहेंगे। जब प्याज हमारा गोल्डन ब्राउन हो जाएगा, तब हम इसमें टमाटर डालकर पकाएंगे। देखिए, हमने घुइयां भी उबाल ली है, घुइयां हमारी उबल चुकी है। तो दोनों काम हम कर रहे हैं एक साथ, कि किसी को देर ना होने पाए, क्योंकि बिटिया का स्कूल भी है, उसको स्कूल भी जाना है। तो देखिए, हमने टमाटर डाल दिया है, और टमाटर जल्दी गल जाए तो इसके लिए हम अभी इसमें नमक ऐड करेंगे। नमक डाल देंगे तो हमारा टमाटर जल्दी से गल जाएगा। तो हमने नमक डाल दिया है, और नमक डालने के बाद हम इसको फिर से थोड़ी देर तक चलाते रहेंगे। और ये टमाटर हमारा बहुत जल्दी गलने वाला है। जब हमारा टमाटर पूरी तरह से गल जाएगा, तभी हम इसमें जो अपना पास्ता मैंने पका के रखा है, उबाल के रखा है, उसको हम इसी में डालकर फ्राई कर लेंगे। ये बच्चों को ज़्यादा पसंद आता है, या तो बच्चे हमारे पास्ता पसंद करते हैं, या तो मैगी, तो उनको मैगी भी चाहिए होती है, और कभी कभी उनको पास्ता चाहिए होता है, और या तो कभी कभी वो नाश्ते में ब्रेड भी खा लेते हैं। तो रोज़ नहीं खाना इनका होता है, ये चाहते हैं इनको रोज़ अलग अलग तरह का नाश्ता मिले। तो आज हम पास्ता बनाए हैं। तो देखिए, हम इसको बहुत ज़्यादा तीखा नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चों को तीखा नहीं पसंद है। तो हम बिल्कुल थोड़ा सा ही इसमें मसाला ऐड करेंगे। ये हमने धनिया, जीरा और लाल मिर्ची का जो मसाला तैयार किया था, तो इसको हम डालेंगे। ये हमारा सूखा मसाला है, तो हम जब सूखी सब्जी कोई भी बनाते हैं, तो हम इसी मसाले का यूज़ करते हैं। इस मसाले से टेस्ट बहुत अच्छा आता है, खुशबू बहुत अच्छी आती है। अगर आपको ये मसाला बनाना सीखना है, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करिएगा, मैं आपको बताऊँगी कि ये मसाला कैसे तैयार होता है। तो फ्रेंड्स, देखिए हमारा पास्ता भी पक चुका है, और इधर हम अब अपनी घुइयां हैं जो हमने उबाल के रखी हैं, इसको भी हम छील लेंगे, ताकि हमें देर ना होने पाए, सब कुछ टाइम से हम तैयार कर पाएँ। तो इधर हम अपनी घुइयां भी रेडी कर लेंगे, इनको छील लेंगे, और छीलने के बाद इसको भी हमें अभी छौंकना है, तो हम इसको भी छौंक देंगे। तो घुइयां हमने उबाल ली हैं फ्रेंड्स, आपने देखा था हमने लगभग आधा किलो भी घुइयां थी जो हमने उबाली थी, लेकिन हमने इसको चेक किया है, हमने देखा है, तो हमारी ये घुइयां सारी नहीं पकी हैं, कुछ घुइयां हमारी ख़राब निकल गई हैं। तो हम देखते हैं कि कितनी घुइयां हमारी सही निकलती है। आजकल तो बहुत ही दिमाग ख़राब हो जाता है जब हम सब्ज़ी मार्केट से लेके आते हैं, और वो सब्ज़ी हमारी ख़राब निकल जाती है। तो देखिए, घुइयां हमारी देखने में बहुत अच्छी थी, ऊपर से हम इसलिए लाए थे, लेकिन जब हमने इसको बॉयल किया है, उबालने पर हमारी ये घुइयां पूरी नहीं पकी हैं, दो चार घुइयां ही पकी हैं, और सारी घुइयां हमारी कच्ची हैं। देखिए, तो उबलने के बाद हमें ये पता चल रहा है कि ये सारी घुइयां
कच्ची हैं, अब ये हमारे किसी काम की नहीं है तो बेकार हो चुकी हैं, तो इसको हम डाल देंगे डस्टबिन में। और जो हमारी चार छः अच्छी अच्छी घुइयाँ बची हैं तो इसको हम छोंक देंगे, क्योंकि अगर हम इसकी सब्ज़ी नहीं बनाएंगे तो हमें काफ़ी लेट होगा। अगर हम दूसरी सब्जी का इंतज़ाम करेंगे तो हमें देर हो जाएगी, तो इसलिए हम यही जो घुइयाँ हमारी हैं हम इसी को छोंक देंगे और इसकी सब्जी हम बना देंगे। पास्ता हमारा रेडी हो गया है, पास्ते को हम निकाल लेंगे और बच्चों को देंगे नाश्ता। बच्चे देखकर खुश हो जाते हैं। जब भी पास्ता बनता है या मैगी बनती है तो बच्चों का पेट तो ये नाश्ता देखकर ही भर जाता है। आयुष्मान हमारे तो इसी नाश्ते के सहारे रहते हैं, उनको रोटियां खानी ही ना पड़े, वो तो यही चाहते हैं कि उनको खाना खाने में सिर्फ पास्ता मैगी यही सारी चीज़ें मिलें और वो रोटियां कभी खाना ही नहीं चाहते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, अब हम घुइयां की सब्ज़ी बनाने जा रहे हैं। तो ये हमने तेल डाल दिया है फ्राई पैन में, तेल हमारा गर्म हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे अजवाइन। तो देखिए हमने अजवाइन डाल दी है। अजवाइन डालने के बाद हमने छोटा छोटा प्याज काट के रख लिया था, उसको भी हम डाल देंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक इसको हम भुनेंगे। जब ये हमारा प्याज अच्छे से भुन जाएगा तो हम अपनी जो घुइयां हमारी छील के रखे हैं हम घुइयां भी इसी में डाल के थोड़ी देर तक इसको तेल में फ्राई करेंगे। जब ये हमारी घुइयां अच्छे से लाल लाल दिखने लगेंगी, फ्राई होने लगेंगी अच्छे से, तभी हम इसमें आगे के मसाले ऐड करेंगे। तो ये देखिए अभी हम इसको चलाएंगे ताकि हमारी घुइयां अच्छे से तेल में फ्राई हो जाएं। जब आप घुइयां को तेल में फ्राई करके बनाएंगे तो सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है फ्रेंड। चाहे आप उबली घुइयां की सब्ज़ी बनाइए या कच्ची घुइयां की सब्ज़ी बनाएं, तो आप बनाने से पहले घुइयां को फ्राई ज़रूर करें। फ्राई करने से घुइयां का स्वाद बढ़ जाता है। अब हम इसमें डाल देंगे मसाले। तो ये हमने हल्दी डाल दिए हैं, मिर्ची भी हम इसमें डाल देंगे और हम धनिया पाउडर डालेंगे, गरम मसाला डालेंगे, स्वाद अनुसार हम नमक डालेंगे और डाल के हम अच्छे से इसको चला देंगे। और चलाने के बाद हम ढक्कन लगा देंगे, दो चार मिनट के लिए हम ढक्कन को लगा देंगे ऐसे ही, क्योंकि घुइयां हमारी पहले से ही पकी हुई है, ज़्यादा पकने में टाइम नहीं लगेगा, बहुत जल्द हमारी घुइयां पक जाएगी। हम इसको अच्छे से चलाएंगे ताकि हम मसाले अच्छे से सभी घुइयां में आ जाए। चलाने के बाद हम इस पर थाली से ढक देंगे, थाली का ढक्कन लगाकर हम इसको 3 मिनट तक छोड़ देंगे। 3 मिनट के बाद हम फिर से थाली को उठाकर देखेंगे तो हमारी सब्ज़ी पक जाएगी। तो फ्रेंड्स आप देखिए हमने नमक डाल दिया है, सब्ज़ी हमारी बहुत कम है तो हम नमक उसी हिसाब से बहुत कम ही ऐड करेंगे, नहीं तो इसमें ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि ये सूखी सब्ज़ी है। तो देखिए हमने घुइयां में नमक भी डाल दिया है, सारे मसाले डाल दिए हैं। अब हम इसको ढक कर पका लेंगे 3 मिनट तक। किचन में फ्रेंड्स हम जब भी कोई काम करते हैं तो सब्जी छोंकते हैं या आटा गूंथते हैं, कुछ भी हम काम करते हैं, तो हमारे किचन का जो पत्थर होता है वो बहुत जल्दी गंदा हो जाता है, बार बार हमें साफ़ करना रहता है। तो अभी देखिए हमने सब्जी छोंकी है और थोड़ी सी घुइयां भी हमने इसी पत्थर पे ही छीली थी, साफ़ की थी। तो देखिए हमारा पत्थर गंदा हो चुका है। अब हम पहले अपने इस पत्थर को अच्छे से साफ़ कर लेंगे और उसके बाद ही हम आटा गूंथेंगे। आटे से हमें रोटियां पकानी हैं तो हम पहले पत्थर की सफाई करेंगे, उसके बाद हम आटे की अपनी तैयारी करेंगे। तो अभी हमारा पत्थर तो अच्छे से साफ हो चुका है। अब हम थाली लेंगे और आटा निकाल लेंगे। आटे को हम छलनी से छानेंगे पहले, उसके बाद ही हम आटे को गूंथेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि आटे को नहीं छानते हैं, लेकिन अभी बारिश का मौसम चल रहा है तो आटे को छानना बहुत ज़रूरी है। तो हम बारिश के मौसम में आटे को बिना छाने हुए नहीं बनाते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए हमने आटा छान लिया है, हमें बहुत ज़्यादा आटा नहीं लेना है क्योंकि अभी हम सुबह का ही बना रहे हैं नाश्ता, तो हमें दोपहर में फिर से बनाना रहेगा। तो अभी हम थोड़ा सा ही आटा लेंगे, दो चार रोटियाँ हमें बनानी है, तो अभी हम 2 रोटी बनाकर पहले हस्बैंड को खिलाएंगे, फिर वो ऑफिस चले जाएंगे, उसके बाद हम बाकी के सारे काम करेंगे जो हमें दोपहर में फिर से हमें अभी यही काम फिर करना है दोबारा। तो अभी तो हम आटा गूंथ लेंगे। तो हमने अच्छे से छान वान लिया है आटे को। तो देखिए आटा हमारा कैसे साना जा रहा है,
इसी तरह से हम आटे को खूब रगड़ रगड़ के सानेंगे, जैसे कि इसमें ज़्यादा हमें पानी नहीं डालना है। तो ये हमारा टाइट टाइट सा आटा बनकर रेडी हो रहा है। इसको हम जितना अच्छे से गूंथेंगे हमारी रोटियां उतने ही अच्छे से फूलेंगी। तो अभी समय थोड़ा कम है हमारे पास, तो हम आटे को बहुत ज़्यादा तो नहीं गूंथेंगे, लेकिन हाँ गूँथ लेंगे थोड़ा सा ही से, क्योंकि हम इसको रख नहीं पा रहे हैं। अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए रख देते तो हमारा आटा और अच्छे से फूल जाता। तो अभी तो हम इसको रखेंगे नहीं, तुरंत सानेंगे और तुरंत ही हमें रोटियां बनाकर देनी रहेगी। तो देखिए हम किस तरह से आटा सान रहे हैं। ये हमारे सुबह के काम हैं, ये काम हमें रोज़ करने रहते हैं। हमें क्या, ये तो हर किसी को काम करने रहते हैं, जो भी लेडीज़ हैं, जो भी गृहिणी हैं, घर में रह रही हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं, हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, तो उन सभी को ये काम तो करने ही रहते हैं। फ्रेंड्स, तो देखिए हम लोग कितना कठिन काम करते हैं सुबह सुबह, कितनी मेहनत का काम रहता है हमारा। मेहनत तो कम पड़ती है लेकिन ज़िम्मेदारी बहुत ज़्यादा रहती है कि सभी लोग खा पी कर ही घर से निकलें, कोई भूखा ना जाए। हम लोगों को बहुत ज़्यादा चिंताएं रहती हैं सबकी। तो खाना बनाना हमारा एक जिम्मेदारी भी है, और बच्चों के सेहत का ख्याल, हस्बैंड की सेहत का ख्याल तो हम लोगों को ही रखना होता है। तो सारे काम छोड़कर ये खाने का काम, हमें नाश्ते का काम बहुत जल्दी करना रहता है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होता है हमारे लिए ये काम। तो ये हमने तवा रख दिया है, तवा हमारा गर्म हो चुका है और हमने रोटियां बनानी शुरू कर दी है। तो हम दो रोटियां बना लेंगे और हस्बैंड को खिला देंगे सब्जी रोटी, वो खा के ऑफिस चले जाएंगे। पूड़ी पकवान हम उनको नहीं खाने देते हैं, बहुत कम खिलाते हैं। जिस दिन हम जल्दी से नहीं नहाते हैं, सुबह सुबह हमारा नहाना धोना नहीं हो पाता है, उस दिन हम उनको पराठा बनाकर दे देते हैं। लेकिन ऐसे हम रोज़ सुबह ही नहा लेते हैं, तो हम नहाने के बाद रोटियां ही बनाते हैं। हमारे यहाँ जब तक घर की जो महिला होती है, जब तक वो स्नान नहीं करती, नहाती नहीं है, तब तक उसको रोटी किचन में नहीं बनानी होती है। तो हम लोग अगर बिना नहाए जल्दी से कोई काम करना रहता है, किसी को कहीं जाना होता है और हम लेट उठे हैं या हमारा काम देर से हुआ है, तो हम अगर बिना नहाए कुछ बनाते हैं तो हमारे यहाँ का रूल है कि हम पूड़ी या पराठा ही बनाएंगे, बिना नहाए हमारे यहाँ रोटियाँ नहीं बनाई जाती हैं। तो हम सुबह सुबह ही जल्दी नहा लेते हैं ताकि हमारी रोटियाँ बन सकें, इसीलिए हमें और जल्दी रहता है कि हम सुबह सुबह ही नहा लें, क्योंकि बिना नहाए हमारे यहाँ रोटियाँ नहीं बनाई जाती। फ्रेंड्स, तो ये हमारी रोटियां बनकर रेडी हो रही हैं। देखिए हमने एक रोटी पका ली है, दूसरी रोटी भी हम पका लेंगे। हस्बैंड हमारे रेडी हो रहे हैं, 9 बजे तक वो ऑफिस चले जाते हैं। जब वो ऑफिस खा पी कर जाते हैं तो हमें भी तसल्ली रहती है, अच्छा लगता है कि चलिए वो गए हैं ऑफिस तो खा पी कर ही गए हैं, भूखे नहीं गए हैं। तो हमारी तो कोशिश यही रहती है सुबह सुबह कि बच्चों को, हस्बैंड को, सबको खाना खिला कर ही भेजें, कोई भी बाहर जाए तो भूखे ना जाए। तो हमारी रोटियां बनकर रेडी हैं और अब हम खाना दे देंगे उनको खाने के लिए। दो चार रोटियां अभी हमें और बनानी रहेंगी, क्योंकि बड़ी बिटिया ने पास्ता खाया है, थोड़ा सा पास्ता खाया है, तो अगर उनका मन होगा तो वो भी एक रोटी खा लेंगी और खा के स्कूल चली जाएंगी। तो अभी हम हस्बैंड के लिए खाना लेकर जा रहे हैं। तो ये सब्जी हमारी जो बनी थी, हमने सब्जी रोटी खिला दी है अभी, और बिटिया के लिए भी एक दो रोटियां सेंक लेंगे। बिटिया का मूड होगा तो बिटिया भी खा लेगी। टिफ़िन अलाउ नहीं है स्कूल में, मैम ने मना किया है टिफ़िन लाने के लिए। तो अभी बिटिया अपना लंच नहीं ले जाती हैं, सिर्फ खा के ही जाती हैं, छुट्टी भी जल्दी होती है।